Hey everyone, welcome back to our channel. तो आज हम बात करने वाले हैं ओवरनाइट हेयर ग्रोथ की. बिना किसी फैंसी इंग्रेडिएंट को यूज़ किए, बिना किसी केमिकल को यूज़ किए, हम अपने बालों को हेल्दी रखते हुए अपनी DIY रेमेडीज को यूज़ करके अपनी हेयर ग्रोथ करने वाले हैं. आप सभी जानते हैं हेयर ग्रोथ कोई ऐसी प्रोसेस तो नहीं है कि रात में हमारे बाल शोल्डर तक हमने अप्लाई किया और मॉर्निंग में हमारे नीज तक हो गए. ऐसा नहीं होता है, बट हम अपने कुछ DIY तरीकों से अपनी हेयर ग्रोथ की स्पीड को बढ़ा सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो यही होती है कि हम अपने बालों को अच्छी केयर दें और अपना नरिशमेंट रखें, जो कि हम कुछ DIY तरीकों से इसको पूरा करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप है अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करना. अब मसाज क्यों जरूरी है, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगी और आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगी. मास्क लगाने से पहले अपने स्काल पर अच्छे से फिंगर टिप से मसाज करना, सर्कुलर मोशन में कम से कम 5 to 10 minutes अच्छे से मसाज करना. नेक्स्ट स्टेप है अपने हेयर मास्क को अप्लाई करना. अब ये हेयर मास्क के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है. पहला हमें चाहिए कोकोनट ऑयल और सेकंड हनी. पहले आपको चाहिए 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, उसको हल्का सा गर्म करके उसमें 1 चम्मच हनी मिक्स कर लेना. दोनों को अच्छे से मिक्स करना जब तक वो दोनों आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए. इस मिक्सचर को अप्लाई करना अपने स्काल्प पर और अपने एंड्स पर, और मेक श्योर अपने हेयर को कवर करना बिल्कुल भी मत भूलना. तो आप उसको या तो सिल्क स्कार्फ से कवर कर लेना या फिर कैप्स वगैरह होती हैं उनसे कवर कर लेना. और सुबह अपना वही रेगुलर शैम्पू कंडीशनर कर लेना. ये सिंपल और इजी सी DIY रेमेडी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हमारी हेयर ग्रोथ में. ये लॉन्गर बनाएगी और स्ट्रॉन्गर बनाएगी आपके हेयर को. हेल्थ केयर और ब्यूटी और वेलनेस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.